नाक की गहराई में राज, बिखरे बालों का सताज, यहीं से मिलेगा। तुम्हें तो मैं किसी न किसी तरह ढूंढ ही निकालूंगा। मेरी मर्जी के बिना तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते, सुना तुमने? कर लो चाहे जितना ट्राई, हो जाएगा भेजा फ्राई। सर, जल्दी इस फोन का सोर्स ट्रेस कीजिए। अगर हमें यह पता लग जाए कि यह फोन कहां से आया था तो हमें उसे पकड़ने में आसानी होगी। फोन का पीछा करो। मुझे इसकी ट्रेनिंग अभी तक नहीं मिली सर। इतनी सी बात नहीं जानते, इतनी सी बात तो आप करके दिखा दीजिए ना सर। यस यू आर राइट। सी हीरो, सर ये रहा सर। हीरो, अगर हम इसके चक्कर में पड़े रहे ना तो हम उस बदमाश तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तुम ठीक कहती हो बबली, अब जो कुछ करना है हमें ही करना होगा, लेकिन सबसे पहले हमें उस पहेली को सुलझाना है। हीरो मुझे बताओ, मैं सुलझाता हूँ। नाक की गहराई में रास, बिखरे बालों का सरताज। समझ में आ गया। बिखरे बाल यानी बबली। चलो बस करो, बस करो, चलो पेपर दो, चलो जल्दी जल्दी पेपर दो, चलो। हाँ चलो पेपर दो, चलो पेपर दो, चलो पेपर दो, चलो शाबाश। पेपर दे सर। सर सर कहा रे, एक घंटे से लिख रहा है, खत्म नहीं हुआ था सर। एक ही आंसर बाकी है। नहीं, समय समाप्त होने के बाद एक भी शब्द नहीं लिख सकते, समझा सर? लेकिन मैं शब्द नहीं नंबर लिख रहा हूँ सर। ऐसी पटर पटर करेगा ना तो अंडा दे देंगे, समझे ना? चल पेपर दे सर। जीरो का चैंपियन तो आज आया ही नहीं है। हम भी वही सोच रहा हूँ कि जॉय आज टेस्ट पेपर देने कहा नहीं आया। अब जॉय को बाकी के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाने होंगे, पर वो आज आया क्यों नहीं? जॉय को स्कूल से निकालने का सपना हम पूरा करके ही रहूंगा। सर ये लीजिए। सर इस बार तो मैं फर्स्ट ही आऊंगा। फर्स्ट आएगा? हाँ। आगे से पीछे सर? आगे से। आपको लिखना है तो आप भी लिख सकते हैं, मैं आपको बर्थडे पे कॉल करके विश करूंगा। हमारा जन्मदिन तो हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। सर कैसे मनाते हैं आप, हमें भी बताइए। ये बार तो हम अपना जन्मदिन ससुरे जासमीन जी के साथ मनाएंगे। ससुरे जासमीन जी, इतना जल्दी घंटा बज गया, अभी तक तो हम मोमबत्ती भी नहीं फूके थे। चुप करो, चलो पेपर दो जल्दी, और पेपर दो, जल्दी पेपर दो, चल पेपर दो। ये बार हम अपना जन्मदिन सुश्री जासमीन जी के साथ ही मनाएंगे। सोचते हैं अभी ऐसे इनविटेशन दे देते हैं, बाद में देंगे। ये जो भेजा फ्राई है ये बर्थडे मूड में है, इसीलिए तो वो पहले गुब्बारे और बाद में आइसक्रीम के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। वो उन सभी चीजों को हथियार बना रहा है जिन्हें बच्चे पसंद करते हैं। अगला नंबर केक का हैप्पी बर्थडे। हमें उसके हथियार को नहीं, उसका पता लगाना है, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम उसके पहेली में छुपे हुए नाम को पहचान सके। मैं कह रहा हूँ ना हीरो, वो बबली ही है। तो वो बबली कैसे हो सकती है? बबली बच्चों को नुकसान क्यों पहुंचाएगी? कौन हो सकता है? ये बबली है मेरी दोस्त, और भेजा पाए तो इसे जानता तक नहीं। लेकिन इसके बिखरे बाल तो है ना, जैसे पहेली में कहा है। उससे बिखरे बाल होने से क्या होता है, उसमें तो ये भी लिखा है कि उसकी नाक की गहराई में राज है। Name any two mountains of South Africa. ससुरी जैस्मिन जी को देखते ही हमारी बोलती क्यों बंद हो जाती है? जब तक पटपट्टू देवी का प्रकोप हमारे ऊपर रहेगा तब तक हमारी हालत डामाडोल ही रहेगी। Name the mountain in the south. हमारे जन्मदिन को आने में काफी समय,
तब तक हम कोई ना कोई तिगड़म विड़ाई लेंगे। नेम द ओशन इन द वेस्ट। अभी अभी जॉय की तबीयत ठीक है ना? यस मिस, वो तो बिल्कुल ठीक है। फिर आज स्कूल क्यों नहीं आया वो? उसे पता नहीं था कि आज स्कूल में यूनिट टेस्ट है? मुझे नहीं पता। अजीब बात है, आज से पहले तो जॉय ने कभी बिना वजह छुट्टी नहीं ली थी। मुझे पूरा भरोसा है जॉय, इस बार तुम जरूर पास हो जाओगे। उसका टारगेट सिर्फ पास होना और मेरी 90%? क्योंकि माँ जानती है कि मैं 90% तो ला ही नहीं सकता। अरे वाह, क्यों नहीं ला सकते हो? कोशिश करोगे तो जरूर लाओ। माँ, आपने जॉय से पूछा कि उसकी यूनिट टेस्ट कैसे गई? ओह जॉय, मैंने तो तुम्हें पूछा ही नहीं। तुम्हारे सम्स मुश्किल थे या आसान? जॉय, मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। जॉय, क्या तुम कुछ सम्स छोड़ कर आए हो? मॉम, इसने सम्स नहीं छोड़े, इसने तो पूरा पेपर छोड़ दिया। क्या? हाँ, आज तो वो स्कूल भी नहीं आया। जॉय, जॉय क्या ये सच है? हाँ। जॉय, तुमने बिना मुझसे पूछे स्कूल मिस किया, वो भी ऐसे दिन जिस दिन तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट टेस्ट था। क्यों किया तुमने ऐसा? जॉय, तुम्हें फेल होने का डर था इसलिए? जॉय, बिना कोशिश किए हार मानने वालों को क्या कहते हैं जाते हो? बुज़दिल। कि तुम बुज़दिल बनना चाहते हो? नहीं ना, तो फिर कल की टेस्ट के लिए अच्छी तरह से तैयारी करो। तुम पूरी कोशिश करना जॉय, प्लीज। चाहे मार्क्स मार्क्स चाहे जितने भी हैं, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। बाय का है तुम्हारा? मीनू, शायद मीनू का जवाब पता होगा, मीनू से पूछता हूं मैं। मीनू, इधर आओ ना। जॉय, तुम? थैंक गॉड तुम आ गए, मुझे तो लगा था तुम ये टेस्ट भी मिस करोगे। मीनू प्लीज, ये पहले सॉल्व करने में मेरी मदद करो ना। कैसे पहले? ये देखो ना, भेजा प्रे। हाँ। अरे पहले तुम अपने टेस्ट तो दे दो, फिर मैं सॉल्व करूँ। मीनू, ये पहले सॉल्व करना बहुत जरूरी है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, प्लीज ये मेरे लिए सॉल्व कर दो ना। अच्छा, बाहर बिखरे नाक में राज, बिखरे बाल नाक में रास। पीपी सर, अरे कहीं नहीं, इस पहेली में। पीपी सर, और कौन हो सकता है? बिखरे बाल नाक में रास। जॉय महाराज, फेल होने में तो आप उस्ताद हो गए होंगे। पहले टेस्ट दे के फेल हुआ करते थे, अब क्या बिना टेस्ट दिए फेल होके दिखाओगे? हाँ सर, बात पूरी तैयारी के साथ आया है। अरे तो नंबर देख के पता चल ही जाएगा कि कितना तैयारी से आया है। लेकिन भेजा पाए का पीपी सर का क्या संबंध हो सकता है? दोनों ही हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। अगर मीनू सही है तो भेजा पाए तक पहुंचने का रास्ता पीपी सर के पास ही होना चाहिए, लेकिन वो मुझे कभी नहीं बताएंगे। अब मैं क्या करूं? कहीं ये भेजा पाए का पता तो नहीं? Do 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 do
के नन्हे कबूतर का डब्बा खोला जो डब्बा हमने पीछे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है सर? मैं तो आपके पीछे लगी हुई, मैं पहले पढ़ रहा था। पहले पहले ये कसम बता के सर, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पीछे पहले लगा है किसने? तो पहले बोल जाएगा। चल बगुला बन और मछली पकड़। बगुला नहीं आता सर। हम बताते पकड़। ऊपर मत बगुला, वो देखो मछली। सर सर चुप करो वरना सबको बगुला बना देंगे। हाँ हमने पतलून पे आइटम पूछ बांधे का कभी? सर मैंने कोई पूछ भी नहीं बांधी सर। सर ये जो देखिए ये भेजा पाए की पहली है, जो देखिए उस पर उसका क्वेश्चन मार्क भी है, उसकी निशानी। नन्हा कबूतर टप्पा, नन्हा कबूतर ये पहले तो पहले वाले से भी ज्यादा मुश्किल है। क्या इसमें किसी स्कूल का नाम छुपा है? इसमें से एक भी स्कूल का नाम उस पहले से मेल नहीं खाता। जॉय तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे? जॉय बिना कोशिश किए हार मानने वालों को क्या कहते हैं जानते हो? पुस्ते अगर मैं यहीं बैठा रहा तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा सर। हाँ क्या बात है, एक भी गलत जवाब नहीं लिखा है, बल्कि ने एक भी जवाब नहीं लिखा है। देखो है आज फिर कोई स्कूल भेजा फाय का शिकार होने वाला है, हमें जल्द से जल्द उसका पता लगाना होगा। वो क्या था? नन्हा कबूतर वो का मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा हीरो। ये पहेली सुलझाने में मेरी मदद कीजिए दुर्गा माँ, अब न मैं उन बच्चों को नहीं बचा पाऊंगा। मदद कीजिए दुर्गा माँ। लगता है गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए। झुक झुक जियो बेटा, अगर तुम सही वक्त पे नहीं आते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। नन्हा कबूतर तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल का पता चल गया, अब हमें जल्द से जल्द उस भूखे कबूतर और उसके डब्बे का भेद खोलना होगा। डब्बा मतलब टिफिन? भेजा फाय बच्चों के टिफिन में कुछ मिला देगा। मगर हीरो सभी बच्चे तो घर से टिफिन लाते होंगे ना? लेकिन कुछ बच्चे डब्बे वाले से भी टिफिन लेते हैं और भेजा फाय उन्हें आसानी से अपना शिकार बना सकता है। चलो सुनो, तुम रोज यहाँ बच्चों को डब्बा पहुंचाते हो? वही सर, मैं ही रोज लेके जाता है।
पर आज क्या हुआ कि मेरे से पहले कोई पहुंच गया और मेरा डब्बा लेके चले गया और मेरे बॉस को बोला कि आज मैं काम पे नहीं आने वाला बीमार है करके। मालूम नहीं साहब कौन था वो। इसका मतलब है कि वो नकली डब्बे वाला बच्चों को डब्बा पहुंचा चुका है। हीरो खबर पता है या वो भी मैं ही सुनाऊं? कौन सी खबर? इंटरनेशनल स्कूल के सभी बच्चों के टिफिन में जहर मिलाया गया है। सब बच्चे अस्पताल में भर्ती है। हीरो तुम हर वक्त हादसे के बाद पहुंच जाते हो। इतनी बड़ी बुक? ये मुझे जरूर भेजा पाए कि चल ठुलु बबली बच्चों को उस तरफ लो। चल इतनी बड़ी बुक मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो बाबा के कार से भी बड़ी है। क्या हम इसके अंदर नहीं जा सकते? हीरो इसे खोलने के लिए तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी हीरो। हीरो 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 इसके अंदर। हीरो 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 शाबाश हीरो, मुझे मालूम था कि तुम हार नहीं मानोगे। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? हीरो ये नहीं टूट रहा। अब हम क्या करेंगे?